जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। मोदी सरकार का सबसे बड़ा वोट बैंक महिलाएं रही हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी इलेक्शन देखिए, विधानसभा का जहां भाजपा की सरकार है या केंद्र की सरकार है, महिलाएं बीजेपी को अधिक वोट करती हैं। लापाई दीदी की स्कीम हो चाहे कोई पुरानी स्कीम हो, सरकार ने महिलाओं को लेकर, चाहे उज्ज्वला योजना हो चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, सरकार ने महिलाओं को लेकर लगातार योजनाएं फॉर्म करी हैं। सरकार ने अब तक के जो बजट आया उसमें 3,00,000 करोड़ रुपए सरकार ने महिलाओं को दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने सीडीबी की शाखाएं कही हैं, नेशनल पोस्ट पेमेंट की बात भी सरकार ने करी है, महिलाओं को स्किलिंग करने की बात भी सरकार ने करी है। इसके तहत महिलाओं को स्किलिंग कैसे किया जाएगा, सरकार ने जो भी एक जहाँ पर भी सर्विसेज की बात कर रहे हैं उस सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को नौकरियां देने के लिए भी कुछ योजनाओं का सरकार ने अप्रत्यक्ष तौर पर ऐलान किया, सीधे तौर पर ऐलान नहीं किया, अप्रत्यक्ष तौर पर ऐलान किया है। जहाँ पीएलआई इंसेंटिव स्कीम की बात आएगी, वहाँ कई ऐसे रोजगार हैं जहाँ जो महिला केंद्रित ही हैं, सरकार उन स्कीम पर पैसा अधिक खर्चा कर देगी। होता है कि सरकार अभी तक जो बजट आया है उसमें तो महिलाओं के लिए 3,00,000 करोड़ बस ये दिख रहा है, लेकिन लगता है दीदी स्कीम, मुझे लगता है सरकार उसमें कुछ पैसा और डाल सकती है आने वाले समय पर। और जैसे कि सरकार ने आवास योजना की बात करी, तो महिलाओं के लिए आवास योजना एक बड़ा फैक्टर होता है कि अपना घर अपना सपने की तरह, तो आवास का जो सरकार ने कहा है कि गांवों में आवास होगा और शहरी आवास योजना को सरकार कुछ एक्सटेंड करेगी, उसका प्रारूप क्या होगा ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि क्या वो 2.5 लाख की स्कीम में छूट होगी या सिर्फ घर बनाए जाएंगे शहरी इलाकों में, तो वो महिलाओं के लिए एक बड़ा मतलब एक तोहफा टाइप का मामला दिख रहा है कि उस योजना को सरकार ने एक्सटेंड किया है और अपनी आवास योजना को आगे बढ़ाने की लगातार बात कर रही है। जहाँ खेती की बात भी है, वहाँ पर भी चूंकि महिलाएं घर में गांवों के अंदर चूल्हे पर व्यस्त है, वहाँ पर भी मजबूती देने की कोशिश करी गई है, वहाँ पर भी इनडायरेक्ट महिलाओं को उसका फ़ायदा दिखाई देगा। बिल्कुल,